अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 2020 आ चुका है और मैं PS4 लेकर आ गया हूँ। PS5 का इंतज़ार भी नहीं किया मैंने। PS5 पता नहीं यार कब लॉन्च होना था उसने। तो PS4 को अनबॉक्स कर लेते हैं। गेमिंग करने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा PS4 ले आते हैं। अच्छा यार, हमारे पास 500 GB वाला वेरियंट है ब्लैक कलर में, तो अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अच्छा यार, बात ये बतानी थी मैंने कि PS4 को, इसको मैंने एक दफ़ा अनबॉक्स कर लिया है मगर कैमरे में पता नहीं क्या ख़राबी हो गई कि उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। तो मैं अब इसको दोबारा, फिर मैंने पैक किया और मैं दोबारा अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो यार अब इसका डब्बा निकाल लेते हैं, बहुत मुश्किल से निकलता है ये। बस ज़ोर आजमाई करनी पड़ती है। और मैं ये रिकॉर्डिंग मैं पीछे से कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग बाद में किया है, पहले मैंने ये सिर्फ वीडियो बनाई है। अब इसको थोड़ा सा अनबॉक्स कर लेते हैं। अच्छा यार, अब आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास डुअल शॉक 4 आया है कंट्रोलर, PS4 का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर है, ब्लैक कलर में है और काफ़ी यार नाइस कलर है इसका। आगे फ्रंट में हमारे पास है जो वाइट सी जगह आपको नज़र आ रही है, ये लाइट है। और हमारे पास कुछ वायर्स हैं अंदर, ये कुछ 4-5 वायर्स हैं हमारे पास, ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वायर जो हमारे पास है वो है ये चार्जिंग केबल है PS4 रिमोट कंट्रोलर की डुअल शॉक 4, जो कि किसी भी अडेप्टर या PS4 के अंदर PS4 से चार्ज हो सकता है। PS4 में हमारे पास 2 USBs हैं। अच्छा, माइक्रो USB की केबल है ये। आगे हमारे पास पावर केबल है, ये 3 पिन शू है इसका। और उसके बाद हमारे पास है ये वायर है। अच्छा यार, ये हमारे पास HDMI केबल है जो कि हमारे PS4 और हमारे जो LED या जो भी आपका मॉनिटर है उसके साथ कनेक्ट होगी। मुझसे ये जो हमारा हेडफोन्स हैं ये मुझसे नीचे गिर गए थे जब मैं वॉइस निकाल रहा था, तो इसलिए मैंने बाद में ये पिक्चर जोड़ दी है। फाइनली अब हम अपनी डिवाइस निकालते हैं। ये PS4 स्लिम है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कुछ पेपर वर्क हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ वारंटीज़ वगैरह, और ये कुछ इसके मैनुअल्स वगैरह हैं, तो इनको तो कोई नहीं पढ़ता, इनको रख देते हैं साइड पे हम। ये कुछ और है काफ़ी ज़्यादा सोनी ने हमें दिया हुआ है मटीरियल। अच्छा यार, अब इसको देखते हैं तो अब हमारे पास ब्लैक कलर में लश पश करता, ऊपर PS की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। सामने सामने हमारे पास ये पावर बटन है और ये हमारे पास सोनी की ब्रांडिंग हुई। आपके पास एक पावर केबल की जगह है, उसके बाद HDMI की जगह है, और बाकी इन दो पोर्ट्स का मुझे नहीं पता। और ये हमारे पास स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है इसकी 500 GB। इसको आप रिप्लेस करके 1 TB भी लगा सकते हैं। तो यार ये था हमारा PS4 और ये हो गया इसका डुअल शॉक 4। तो यार इसके अंदर जो मैं गेमिंग्स वगैरह हैं जो मैं वो भी रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर लें। थैंक यू।